मंदिरों की माला जो कहलाए, अतीत भी कीर्ति गाए। पत्थरों पे अद्भुत चारु कलाए, पत्थरों पे अद्भुत चारु कलाए, सारे जग को भाए। अपनी राजधानी अति सुंदर, बड़ा मन भावन ये अपना शहर है, बड़ा जिंदा दिल ये शहर भुवनेश्वर, भुवनेश्वर, भुवनेश्वर। मंदिरों का शहर भुवनेश्वर, देवों का ये घर भुवनेश्वर। भुवनेश्वर एकाम्र क्षेत्र, ओडिशा की नई राजधानी, आज सारे भारत में स्मार्ट सिटी की हैसियत से परिचित है। चौड़ी पक्की वन वे सड़कें, भव्य इमारतें, जगमगाती एलईडी युक्त स्ट्रीट लाइट, दीवारों पर बने ऐतिहासिक पटचित्र, साफ सुथरा शहर, सच में सुंदर और आकर्षक है ये शहर। इसे राजधानी बने अभी कुछ ही समय बीता है। देश की आजादी के साथ ही हमारा राज्य ओडिशा एक स्वतंत्र राज्य बन चुका था। शतकों से राजधानी बना कटक एक काफी पुरातन शहर था, संकीर्ण गलियां और कूची, साथ ही महानदी और काठजोड़ी नदियों के बीच द्वीप की तरह भौगोलिक स्थिति होने के कारण हमेशा बाढ़ का खतरा बना रहता था। बहुत विचार विमर्श के पश्चात एकाम्र क्षेत्र भुवनेश्वर को नई राजधानी बनाने का फैसला लिया गया। उस वक्त भारत के दो राज्यों की राजधानी बनाना तय किया गया था, पंजाब के लिए चंडीगढ़ और उड़ीसा की भुवनेश्वर। जर्मनी के एक आर्किटेक्ट ने इनका डिजाइन किया था। अप्रैल 13 सन 1948 को भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इसका शिलान्यास किया था। उनके साथ थे नई राजधानी के शिल्पकार डॉक्टर हरिकृष्ण मेहताब। गढ़ उठी एक नई नगरी, उड़ीसा के लोगों ने शहरी सभ्यता को अपना लिया। क्रमशः दिन बीतते गए, सूर्य उदय से पहले भुवनेश्वर जाग उठता है। आजकल शहरवासी बहुत जागरूक हो गए हैं, प्रातः की लाली माँ के साथ ही हाथों को हिलाते डुलाते मॉर्निंग वॉक का नजारा। सुबह होते ही ये शहर हो उठता है चल चंचल, भीड़ भाड़, हर कोई व्यस्त, एक दूसरे से आगे बढ़ने की होड़। आम मेट्रो शहरों के लक्षण यहाँ भी हैं। चाय की दुकानों में राजनीति के चर्चे, अखबारों के समाचारों पर दौड़ती निगाहें, ऐसे ही आगे बढ़ता सरपट दौड़ता है ये शहर।
ज्यादातर सरकारी दफ्तरों की मौजूदगी के कारण जैसे सेक्रेटेरिएट, नौ तल्ला, खारविल भवन, राजीव भवन, ट्रेजरी, बैंक इत्यादि यहाँ होने के कारण सरकारी नुमाइंदों की आवाजाही और ट्रैफिक जैम। उनकी सहूलियत के लिए यहाँ व्यापार बहुत चलता है। रास्ते के किनारे रेड़ी लगाकर दिहाड़ी मजदूर दो पैसे कमा भी लेते हैं। हाट और बाजार के अलावा आज भव्य मॉल ने यहाँ अपनी पैठ बना ली है। अब भुवनेश्वर बन चुका है व्यापार का एक विशाल केंद्र। 3 विधानसभा क्षेत्र के करीब 10 लाख लोगों को लेकर ये बना है महानगर निगम। ये तो हुई न्यू कैपिटल भुवनेश्वर की बातें। अब हम वक्त के पहिए को जरा पीछे मोड़कर देखें इसके गौरवशाली इतिहास को, इसके अदम्य साहस भरी गाथाओं को, जिस पर आज हम गर्वित हैं, जिसने हमें पहचान दी है। आज हमारी पहचान का सूत्र बना है यही भुवनेश्वर। पुराना भुवनेश्वर ही हमारा वास्तविक परिचय है। इसके एकाम्र क्षेत्र में करीब 600 मंदिर अवस्थित हैं। सुनकर अचंभा लगता है, यहाँ हैं देवों के देव महादेव प्रभु भोलेनाथ का सबसे ऊंचा पवित्र लिंगराज मंदिर, जिसके इर्द गिर्द हैं सैकड़ों मंदिर। इसी कारण से इसे मंदिरों की माला भुवनेश्वर भी कहा जाता है। सोमवंशी राजा ययाति केसरी के द्वारा निर्मित ये श्री लिंगराज मंदिर भारत का एक पुरातन एवं अति प्रसिद्ध मंदिर है। लाल पत्थरों से बना ये मंदिर उत्कल स्थापत्य कला का उत्कृष्ट उदाहरण है। इसके समीप है बिंदु सागर। यह पवित्र और मनोरम है। यह धारणा है कि भारत की प्रत्येक पवित्र नदियों, झरनों और पुष्करणियों का जल एकत्रित होकर बना है ये बिंदु सागर। शिवरात्रि के अवसर पर यहाँ लिंगराज की जागर यात्रा तथा अशोकाष्टमी में रुकुना रथ यात्रा सारे एकाम्र क्षेत्र को भक्ति रस से सराबोर कर देते हैं। बिंदु सागर के समीप है अनंत वासुदेव जी का मंदिर। पूरी धाम के आनंद बाजार के भांति यहाँ भी प्रसाद पाने को आतुर भक्तों का जमावड़ा लगता है। प्रतिदिन हजारों भक्त यहाँ से प्रसाद प्राप्त कर धन्य हो जाते हैं। भुवनेश्वर का एक और परिचय है मुक्तेश्वर की मुखशाला। यहाँ हिंदू, जैन तथा बुद्ध संस्कृति का अनोखा समन्वय देखने को मिलता है। यहाँ की अद्भुत कारीगरी कवि को कवित्व देती है, शिल्पी को आधार देती है और करती है दर्शकों को मंत्रमुग्ध। लोहित रंग के पत्थरों से निर्मित राजा रानी मंदिर एकाम्र क्षेत्र भुवनेश्वर का एक और दर्शनीय स्थान है। इसके अलावा 64 योगिनी मंदिर, शत्रुनेश्वर मंदिर, धवलेश्वर मंदिर, गोखी बाबा मंदिर, स्वप्नेश्वर मंदिर, विघ्नेश्वर मंदिर, ब्रह्मेश्वर पटना स्थित ब्रह्मेश्वर मंदिर, मेघेश्वर मंदिर, शिखर चंडी स्थित पर्यटन क्षेत्र, सुंदरेश्वर मंदिर जैसे अनेकों मनोरम तीर्थ स्थान यहाँ अवस्थित हैं। ये सारे देवालय और इनके आसपास का मनोरम दृश्य मन को अति आनंदित करता है। भुवनेश्वर में ही है खंडगिरी और उदयगिरी। सम्राट खारविल के स्वर्णिम शासन काल में बनी ये महान अविश्वसनीय किंवदंती कलाकृतियां, पहाड़ काटकर बनाई गई गुफा जिसके अंदर है 2 मंजिला प्रासाद, तपस्या स्थल, सचमुच अद्भुत है ये स्थापत्य कला। दीवारों पर खुदे तत्कालीन लेख इसकी भव्य प्राचीनता के गवाह हैं। जैन मुनि की तपस्या और साधना
इस स्थान के वातावरण को अत्यंत गंभीरता एवं आध्यात्मिकता से भर देती है। माघ सप्तमी के अवसर पे यहाँ खंडगिरी यात्रा आयोजित की जाती है। धुनी जल उठती है, यज्ञ आदि के साथ मेले की चहल पहल आकर्षण का केंद्र बन जाती है। इसी समय ओडिशा की प्रसिद्ध यात्रा पार्टियां यहाँ अपने अपने यात्रा का प्रदर्शन करती हैं। माहौल रुचिकर हो उठता है। 261 ईस्वी पूर्व दया नदी के तट पर हुआ था कलिंग युद्ध। यही सम्राट अशोक चंडाशोक से धर्माशोक में परिणत हुए थे। बौद्ध धर्म के अपूर्व दर्शन से प्रभावित हुए थे मगध सम्राट अशोक। धौले पर्वत के जिस स्थान में शांति स्थापित हुई वहीं पर निर्मित हुआ शांति स्तूप धौली, जो युग युग से शांति का संदेश देता आ रहा है। शतकों की संस्कृति व परंपरा का निर्वाह करता भुवनेश्वर आहिस्ता आहिस्ता आधुनिकता की सीढ़ियां चढ़ता गया। गमनागमन की सुविधा हेतु 16 नंबर राजपथ इस शहर के बीच से होकर गुजरता है। राज्य के प्रमुख बस स्टैंड बरमुंडा से असंख्य बसें प्रतिदिन राज्य और राज्य के बाहर विभिन्न स्थानों की ओर यातायात करती है। इस शहर से गुजरती है ईस्ट कोस्ट रेलवे लाइन, जो शहर को देश के विभिन्न शहरों से जोड़ती है। उसी तरह भुवनेश्वर में है बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, अर्थात सड़क रेल और विमान की हर सुविधा से सुसज्जित है ये शहर। राजधानी बनने के पश्चात यहाँ सचिवालय, विधानसभा गृह, आंचलिक विज्ञान केंद्र, रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, राज्य संग्रहालय, पठानी सामंत प्लैनेटोरियम, एकाम्र कानन इत्यादि का निर्माण हुआ। शिक्षा के प्रचार व प्रसार के लिए उत्कल विश्वविद्यालय, किट यूनिवर्सिटी, इंफोसिस, सिलिकन साई इंटरनेशनल स्कूल, डीएवी स्कूल, लॉयला स्कूल, जेवियर स्कूल जैसे अनेक अंग्रेजी माध्यम स्कूलों की रचना हुई। देश विदेश के अनेकों विद्यार्थी यहाँ अध्ययन करने आए और भुवनेश्वर हो गया एक एजुकेशनल हब। समय के साथ अग्रगति करते हुए भुवनेश्वर बन गया स्मार्ट सिटी, चहल पहल भरा स्वच्छ शहर। सुंदर परिवेश वाले इस शहर का सौंदर्यकरण किया गया, भुवनेश्वर चर्चा का केंद्र हो उठा। पढ़ाई के साथ संगीत, रंगमंच और नृत्य आदि कला के विकास में अपना योगदान किया। रविंद्र मंडप, उत्कल मंडप, भंज कला मंडप, सूचना भवन जैसे अनेकों सांस्कृतिक अनुष्ठानों ने एक नई सांस्कृतिक जागृति की शुरुआत हुई। जैसे नाटक, नृत्य एवं संगीत के लिए विभिन्न मंडप हैं, ठीक उसी प्रकार चलचित्र देखने के लिए यहाँ अनेकों सिनेमा घर भी हैं, जैसे श्रिया, स्वाति, स्तुति, महाराजा, आइनक्स, रवि टॉकीज और केसरी टॉकीज, सरीखे सिनेमा घर। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि चलचित्रों के विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा संचालित कलिंग स्टूडियो भी इस शहर में अवस्थित है। यहाँ हम थिएटर, सिनेमा, प्रदर्शनी, म्यूजियम इत्यादि भी देख सकते हैं। भुवनेश्वर से थोड़ी ही दूरी पर है नंदन कानन, भारतवर्ष का प्रसिद्ध प्राणी उद्यान। यहाँ पर्यटकों की भारी भीड़ उमड़ती है। प्राकृतिक परिवेश में पशु पक्षियों का आवागमन यहाँ पर देखा जा सकता है। यहाँ के चुलंग झील में नौका विहार, रोपवे और टॉय ट्रेन आदि ने काफी प्रसिद्धि अर्जन की है। नंदन कानन के समीप है बॉटनिकल गार्डन, जो विभिन्न प्रजाति के वृक्ष
लता एवं औषधीय गुणों से परिपूर्ण पौधों से भरा पड़ा है और आकर्षण का केंद्र है। सच में शिक्षणीय व मनोरंजक है ये अनुपम उद्यान। खुली हवा, खुला स्थान एवं बच्चों के खेलने की हर सुविधा है इस शहर में। फॉरेस्ट पार्क, एकाग्र कानन, बुद्धा पार्क, इंदिरा गांधी पार्क इत्यादि की गिनती राजधानी के प्रमुख पार्कों में की जाती है। सवेरे शाम यहाँ बहुत भीड़ लगती है। व्यापार एवं पर्यटन के लिए प्रतिदिन इस शहर में हजारों लोग आते हैं। उनके ठहरने के लिए इस शहर में छोटे बड़े होटलों की कमी नहीं है, जैसे पंथ निवास, यात्री निवास, राज्य अतिथि भवन सहित बहुत से होटल जैसे मैफेयर, ट्राइडेंट, स्वस्ति, जिंजर, सैंडी टावर, न्यू मेरियन, पाल हाइट्स और कलिंग अशोक आदि की तरह विशाल होटल यहाँ यात्रियों की सुविधा के लिए अवस्थित हैं। एजुकेशन हब की